हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर तौसीफी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। मज़हरे आयत तुझे जान गए, हद से गुजरे तो नुसैरी भी खुदा मान गए। लाख लाख डाले तेरी तस्वीर पे, पर्दे लेकिन हल्का सा रिवर्ब तस्वीर पे पर्दे लेकर फिर भी पहचानने वाले तुझे पहचान गए। अली 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 या अली मौला अली, विलादत गह बनी विलादत गह विलादत गह बनी काबा, विलादत हो तो ऐसी हो वाह, विलादत गह बनी काबा विलादत हो तो ऐसी हो, शहादत गह बनी मस्जिद शहादत हो तो ऐसी हो, शहादत गह बनी मस्जिद शहादत हो तो ऐसी हो। पैगंबर भी पैगंबर भी मदद मांगे
बात हो तो ऐसी हो, दिए बेटे सवाली को, सखावत हो तो ऐसी हो, दिए बेटे सवाली को, सखावत हो तो ऐसी हो। चार मिसरे देखे जनाब, बिल्कुल नया कलाम और बिल्कुल नए कते जो शायद आप पहली बार सुनेंगे। समाप्त फरमाइएगा, कहना है बुतों का घर उजाड़ा है अली ने, बुतों का घर उजाड़ा है अली ने, दरे खैबर उखाड़ा है अली ने, सुभान अल्लाह, दरे खैबर उखाड़ा है अली ने, ये जमाना ऐ मोमिनो जमाना जानता है खूब सैफी, जमाना जानता है, जमाना जानता है खूब सैफी, के मरहब को पछाड़ा है अली ने, खूब सैफी, जियो के मरहब को पछाड़ा है अली ने, के मरहब को पछाड़ा है अली ने, फायदा क्या किसी की बात करे, तवज्जो, फायदा क्या किसी की बात करे, आओ अपने नबी की बात करे, फायदा क्या, शुक्रिया, फायदा क्या किसी की बात करे, आओ अपने नबी की बात करें, जब निगहबान है अली मौला, जब निगहबान है अली मौला, क्यों भला बुज़दिली की बात करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर तौसीफी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अली मौला बात करें, क्यों भला बुज़दिली की बात करें, लेकिन ज़बां पे है दरे कर्रार का जब नाम आता है, ज़बां पर है दरे कर्रार का जब नाम आता है, बल्कि ज़बां पर है दरे कर्रार का जब नाम आएगा, ज़बां पर है दरे कर्रार का जब नाम आएगा, तुम्हें भी दीन आएगा, तुम्हें इस्लाम आएगा, तुम्हें भी दीन आएगा, तुम्हें इस्लाम आएगा, तुम्हें भी दीन आएगा, तुम्हें इस्लाम आएगा, अगर जिंदा रहे तो भी, अगर मर जाऊं तो सैफी, अली का नामे नामी भी तुम्हारे काम आएगा, अली का नामे नामी भी
तुम्हारे काम आएगा। या अली मौला कहो पहले किसी भी काम से काम वो हो जाएगा, सैफी बड़े आराम से। काम वो हो जाएगा सैफी बड़े आराम से। तंग कर सकती नहीं कोई परेशानी कभी, तंग कर सकती नहीं कोई परेशानी कभी। और कांप उठती है बलाएं भी अली के नाम से। कांप उठती है बलाएं भी अली के नाम से। तो आइए साहब, मौला अली की मनकबत पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, पहली बार आज इस स्टेज से शुरुआत कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जो कलाम सुनने वाले हैं वो यकीनन इसका एक एक शेर पसंद फरमाएंगे। तवज्जो, मतलब कहा है, पढ़ती है दुरूदे पाक सुनो ये मेरे चमन की कली कली, अली मौला अली हक अली मौला मना किया गया है। ये नजराना जो आया है, कमेटी के लोगों ने पाबंदी आयत कर दी है कि नाम नहीं बोलेंगे किसी का। बहरहाल ये 200 रुपए इनायत किए हैं जिसने, जिस किसी साहब ने भी, उनका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई बढ़ाते क्यों नहीं मॉनिटर यार, आप अपनी रिकॉर्डिंग के चक्कर में, रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं आप, कहाँ है आवाज बढ़ाइए जितनी है, स्टेज पे तो मॉनिटर में। हेलो हेलो, हक अली मौला अली, हक अली मौला अली, हक अली मौला अली, हक अली मौला I'm
हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर तौसीफी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। तो इसका सेल डाउन हो गया, मुझे कोई और माइक दे दो यार, सादा दे दो, मुझे नहीं चाहिए ये कॉर्डलेस, ये तो और पीर आया हुआ। हेलो 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 अली मौला अली हक अली मौला अली। सभी बुजुर्गों से मैं तवज्जो चाहता हूं, कैसे काबे के सहन पाक में, काबे के सहन पाक में पैदा हुए अली, काबे के सहन पाक में पैदा हुए अली, वाली है गुलाम हबीब साहब। आपके दादा ने कभी ऐसी कोई बात की ही नहीं जिससे कोई उनकी शख्सियत पे इल्जाम आए। मैं बड़ी कदर बड़ी इज्जत करता हूं मरहूम बुलबुले हिंद जनाब हबीब पेंटर साहब जो इनके दादा हैं और हिंदुस्तान के एक वाहिद कव्वाल हैं। मैं सच सच कहना कोई बुरी बात नहीं, ऐसे हुए हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने बुलबुले हिंद का खिताब दिया। लेकिन आप उनके पोते हो, इस दौर में कव्वाली गा रहे हो और उनके नाम से गा रहे हो, गुलाम हबीब पेंटर के नाम से। ये स्टेज पर चंद पैसों के लिए आपने जो करते हो ना इधर उधर, ये सब पसंद आने वालों को आता होगा, लेकिन जो लोग संजीदा कव्वाली सुनने वाले हैं,
जो अच्छी कव्वाली सुनते हैं वो इस बात को कभी पसंद नहीं करते। कव्वाली अदब की चीज है, अदब से बैठ कर गाई जाती है, ना कि बार बार खड़ा होकर उसको तमाशा बनाया जाए। बहुत है तमाशा बनाने वाले इस दौर में, तुम तो कम से कम अपने दादा के नाम की इज्जत रखो। शेर है, काबे के सहन पाप में पैदा हुए अली, आपकी आंखें बंद थी लेकिन कुर्बान जाइए आंख आपने किसकी गोद में खोली है। जब आप खोली है मौला अली ने, तो आप किसकी गोद में थे? मेरे सरकार की गोद में थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शेर सुनिए, कैसे न अपनी आंख भला खोलते अली, कैसे सभी हजरात का समाज फरमाइए साहब, कैसे कैसे ना, कैसे ना अपनी आंख भला खोलते अली, कैसे अपनी आंख भला खोलते अली, कैसे ना अपनी आंख भला खोलते अली, कैसे ना अपनी आंख भला खोलते अली, कैसे ना भला अली मौला अली, अली मौला अली, अली मौला अली।
फरमाइए अगला बंद। आया जो दौर है मोमिनों, आया जो दौर आपके अहदे शबाब का, 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 आया जो दौर आपके अहदे शबाब का। आका ने लकब मेरे आका ने लकब उनको दिया बूतराब का, हक अली मौला अली मौला अली मौला अली शेर सुनिएगा, बिल्कुल ताजा शेर, आज पहली बार हो रही है ये मन कबत। मेरा दिल चाहा कि जब हुसैन का जिक्र हो चुका है तो उससे पहले जो जिक्र बाकी है अली और फातिमा का उसको भी कर लिया जाए। तवज्जो अगले शेर पर कैसे। हाँ बुतों की काबे में हस्ती बिगाड़ने वाला, बुतों की काबे में हस्ती बिगाड़ने आइए ये जो शेर है फतेह खैबर आपको कहा जाता है क्योंकि तीन दिन बराबर इस्लाम का लश्कर खैबर के किले पर जाता रहा लेकिन फतह नहीं हुई। मौला अली के हाथों से खैबर का किला फतह होना था, दरे खैबर उखड़ना था। तो लीजिए साहब इस शेर में बड़ी हसीन बात कहने की कोशिश की है, तवज्जो कैसे। खैबर का दर उखाड़ना आसान नहीं था, खैबर का दर
आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, वक्त को मद्देनजर रखते हुए तमाम अहले महफिल समाअत फरमाए। कैसे दीने मोहम्मदी का फरेरा बुलंद है, 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 ये नारा बुलंद है। हक अली मौला अली, मौला अली मौला अली।